हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अयूबी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंडोम का जो टेक्सचर होता है, यानी कंडोम की जो फील होती है, उसका आपके संभोग के एक्सपीरियंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैंने दो अलग अलग तरह के टेक्सचर वाले कंडोम मैं लेकर आया हूँ, जो मैं रिव्यू करके बताऊँगा और उनका डिफरेंस आपको बताऊँगा। कंडोम के टेक्सचर का बड़ा महत्व होता है। ये सिर्फ ना आपके संभोग के एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है, बल्कि जो आपकी पार्टनर होती है उसको भी एक अलग फील देता है। हम बात फ्लेवर की नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं कंडोम के टेक्सचर की। तो जो लोग नहीं जानते कंडोम का टेक्सचर क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो कंडोम होता है उसको जब आप ऐसे फील करेंगे, तो जो फील आपको आएगी, जो महसूस आपको होगा, वो कंडोम का टेक्सचर कहलाता है। जैसे कि ज़्यादातर कंडोम जो होते हैं, वो जो सस्ते वाले कंडोम होते हैं, वो आपको प्लेन फील देते हैं, यानी उनमें जो टेक्सचर होता है कोई अलग से नहीं होता है, बल्कि उनमें प्लेन टेक्सचर होता है। इसके अलावा दूसरा जो कॉमन टेक्सचर होता है वो डॉट वाला होता है, यानी कंडोम के ऊपर डॉट्स बने होते हैं। उसके बाद जो कॉमन में आता है वो रिब्ड टेक्सचर आता है। इसके अलावा और भी कई तरह के टेक्सचर आते हैं, जैसे कि कंटूर टेक्सचर वगैरह वगैरह। तो ये आप देख रहे हैं, ये नॉटी बॉय के 10 कंडोम्स का पैक है, जो कि आप देख रहे हैं अल्ट्रा रिब्ड, यानी कि इसके अंदर जो कंडोम है वो रिब वाले टेक्सचर में है। बाकी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ये बोल्ड केयर के प्रीमियम 10 कंडोम है, और आप देख रहे हैं ऊपर ही इन्होंने इसके मुख्य आकर्षण को लिख दिया है, मल्टी टेक्सचर्ड कंडोम। तो ये जो मल्टी टेक्सचर्ड कंडोम है वो कौन कौन सा टेक्सचर है, कैसी फील देते हैं ये आपको, रिब्ड, यानी रिब्ड तो है ही, रिब्ड का मतलब होता है कि लंबाई में या फिर विड्थ की लेंथ में आपको जो है लंबी लंबी धारियां होती हैं। दूसरा डॉटेड होता है, और तीसरा इसके अंदर जो आपको मिलेंगे कंडोम्स में, तीसरे तरह का जो टेक्सचर होगा वो कंटूर्ड होगा। वो जब मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो पहले इसके बॉक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये नॉटी बॉय नाम से है, वैसे लवलस्ट नाम से कंपनी है, उसके नॉटी बॉय कंडोम्स हैं, अल्ट्रा रिब्ड है, यहाँ पर लिखा है लुब्रिकेटेड लेटेक्स कंडोम्स हैं। जब हम इधर देखते हैं तो हमें प्राइस का पता लगता है कि 10 कंडोम का जो प्राइस है वो 180 रुपये है, यानी कि एक कंडोम का प्राइस 18 है। इसके अलावा यहाँ पर एसेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, बताया गया है कि कंडोम का साइज कितना है। तो एक कंडोम का साइज है 18 सेंटीमीटर, और कंडोम की जो विड्थ है वो है 53 मिलीमीटर, यानी 5.3 सेंटीमीटर। तो बाकी इसमें कोई खास और अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी आपको इसके पैक से मिलती है कि ये कौन से मटेरियल के बने हैं, कौन सा टेक्सचर है, कितना प्राइस है, कंडोम की लेंथ कितनी है, कंडोम की विड्थ कितनी है। दूसरे अब बोल्ड केयर के बारे में देखते हैं कि इसके बॉक्स पर क्या लिखा है, पैकिंग पर क्या लिखा है। तो टेक्सचर के बारे में तो लिखा ही है, साथ में लिखा है कि ये लेटेक्स कंडोम्स हैं, तो लेटेक्स कंडोम ये भी हैं। प्राइस जानते हैं, इसके 10 का प्राइस जो है 300 रुपीज़ है, यानी एक कंडोम की कीमत 30 रुपये है, तो काफ़ी महंगा है। मैं कहना चाहूँगा कि लगभग दोगुने के बराबर, क्योंकि 18 × 2 हो गया 36, तो इसका मतलब लगभग दोगुने के बराबर है। इसके अलावा, प्राइस के अलावा, हमें पता लगता है कि इसकी जो लेंथ है कंडोम की वो सेम इतनी है जितनी नॉटी बॉय वाले की है, यानी कि 18 सेंटीमीटर, और विड्थ भी सेम है 53 मिलीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। गाइस, होता क्या है कि जो कंडोम बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो भारतीय जो यूजर्स हैं उनको ध्यान में रखकर कंडोम बनाती हैं, तो उसमें एक लेंथ जो है वो फिक्स रखी जाती है कि भाई कंडोम की लेंथ 180 मिलीमीटर होगी और जो विड्थ होगी वो 53 मिलीमीटर होगी। अब हम अनबॉक्सिंग इसकी करते हैं कि देखते हैं कि कंडोम कैसे हैं, और मैं आपको जो है यूज करने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले नॉटी बॉय के जो अल्ट्रा रिप्ड कंडोम्स हैं मैं निकाल रहा हूँ, ये 10 कंडोम्स का पैक है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये साथ में जो है छोटे से पेपर डिस्पोजेबल बैग दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे से हैं, तो ये आप इसमें डिस्पोज कर सकते हैं। और ये कंडोम कुछ अंदर छोड़ दिए हैं मैंने, और ये है नॉटी बॉय का अल्ट्रा रिब्ड कंडोम। ये मैं अभी यहीं रखता हूँ, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, फिर मैं एक एक करके आपके सामने शो करूँगा। ये बोल्ड केयर के मल्टी टेक्सचर कंडोम है। आइए जानते हैं कि इसके ये कंडोम हो गए, वाओ, इट्स वेरी प्रीमियम पैकिंग, और ये बड़ी अच्छी बात है कि साथ में इन्होंने भी
साथ में डिस्पोज करने के लिए आपको अलग से पेपर दिया हुआ है। तो यानी ये अच्छी बात है कि कंडोम यूज़ किया और उसको आप ऐसे ही नहीं कि आपने उसको बस ऐसे रैप किया, ऐसे फोल्ड किया और फेंक दिया, साथ में आपको एक डिस्पोज के लिए करने के लिए एक बैग मिल जाता है। अब मैं बोल्ट केयर को एक तरफ रखता हूँ, सबसे पहले मैं आपको शो करूँगा नॉटी वाई कैसा दिखाई देता है और वॉट डज अल्ट्रा रिप्ड मीन एक्चुअली। ये है नॉटी वाई का अल्ट्रा रिप्ड, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये दिखने में बाहरी तौर पर एक नॉर्मल लेटेक्स कंडोम है। और अब मैं इसको जो है आपको इसको ऐसे यूज़ आप देख रहे हैं, ये इसकी एकदम क्लियर बात सामने आ गई है कि रिप्ड का क्या मतलब था। तो गाइज आप देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ पे मुझे फील आ रही है और आप देख सकते हैं कि ये कैसे रिब्स बनी हुई है। मैं इसको एक बार आपको इसको ऐसे शो करके दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगी बात के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए गाइज, ये आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग ही एक्चुअली रिब्स हैं और साथ में इन्होंने जो है थोड़ी सी डॉट्स भी दी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये भी कहीं ना कहीं मल्टी टेक्सचर्ड ही है, इसमें आपको रिब भी मिलती है और डॉट्स भी मिलते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने वीडियो की शुरू में ही बोला था कि कंडोम आपके संभोग के एक्सपीरियंस को बेहतर भी बना सकता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो देखते हैं कंडोम आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देता है, आपके पार्टनर को किस तरह का एक्सपीरियंस देता है। तो लेन जो इसकी जो मटेरियल है, जो इसका मटेरियल है वो बहुत थिन है और मैं कहना चाहूँगा कि ये पहनने के बाद आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कंडोम पहना हुआ है, आपकी पार्टनर को भी अच्छा फील होगा। ये मल्टी टेक्सचर्ड है और इसकी जो फील है वो मटेरियल वाइज बहुत अच्छी है। तो गाइज इसमें अच्छा खासा लुब्रिकेशन है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन तो नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत लुब्रिकेशन दिया हुआ है, और पर्सनली मेरा कहना है कि लुब्रिकेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी किसी कंडोम को इतना ज़्यादा लुब्रिकेट कर दिया जाता है कि एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि वो आपके संभोग के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बेकार कर देगा, क्योंकि कंडोम फिसलता रहेगा और जो लिंग होगा वो भी वजाइना के अंदर उतनी अच्छे से फ्रिक्शन नहीं ले पाएगा। तो इसके अंदर जो लुब्रिकेशन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक क्वांटिटी में दिया गया है। गाइज अब हम इसका एक स्ट्रेट टेस्ट करते हैं, खींच कर देखते हैं कि ये कितना खिंचाव सह सकता है। अब खिंचाव क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंडियन जो मेल्स हैं उनके लिंग का साइज इतना ज्यादा नहीं होगा कि ये खिंच जाएगा और फट जाएगा, लेकिन दोस्तों संभोग की क्रिया में खास तौर से अगर आप अपने पार्टनर के साथ एनल इंटरकोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं और कंडोम पहनकर ऐसा कर रहे हैं तब कंडोम के फटने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। और अगर कंडोम जितना ज्यादा स्ट्रेचेबल होगा वो उतना ही अच्छा होगा, उसके फटने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हम इसका एक स्ट्रेट टेस्ट कर रहे हैं और मैं कहना चाहूंगा कि ये काफी ड्यूरेबल है, अच्छा है। मतलब ये स्ट्रेट है, मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूं, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन ये अच्छा है। तो गाइज ये तो था नॉटी वाई का अल्ट्रा रिप कंडोम। तो मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ कि ये मेनली रिप्ड कंडोम है, हालांकि मल्टी टेक्सचर्ड है, इसमें डॉट्स भी हैं, रिप्स भी है और इसका जो फील है वो काफ़ी अच्छा है, सेंसेशन को पास करने के लिए अच्छा है, बहुत कम आपको महसूस होगा आपने कंडोम पहना हुआ है। लुब्रिकेशन की मात्रा भी इसमें ओके ओके है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये फटने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है क्योंकि ये स्टेट टेस्ट में बहुत इजीली पास हो गया है। अब चलते हैं बोल्ड केयर की तरफ। गाइज ये बोल्ड केयर के प्रीमियम कंडोम्स हैं, इनकी पैकिंग से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं, हालांकि 30 रुपये कंडोम के ले रहे हैं तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन फिर भी आइए अब हम इनके वो सभी टेस्ट करते हैं जो हमने नॉटी वाई पर किए। तो देखते हैं, वाओ इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया है, इसका कलर मुझे सबसे एकदम से अच्छा लग गया है क्योंकि ये एकदम पिंक कलर में आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब मैं इसको जो है ऐसे आप समझ लीजिए, मैंने इसको अपने ये ऐसे स्ट्रेच किया, खींच दिया है पूरा, और मैं अब आपको इसको 3 फिंगर पर जो कि नॉर्मली एवरेज पेनिस के साइज के बराबर है आपको ये दिखा देता हूं। तो देखिए ये है, आप देख रहे हैं इसमें 3 डिजाइन,
एक दिखाई दे रहा है आपको ये वाला डिजाइन जो कि रिब की फॉर्म में है, ये देखिए ध्यान से। और ये जो ये वाला डिजाइन है ये डॉटेड डिजाइन है। साथ ही इसमें हम जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो हमें इसमें कहीं कहीं पर ऐसे फील आ रहा है जैसे कि एक तरह की जो खेत होता है, जो फार्म फील्ड होता है, उसकी जो मेड़ होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कंटूरिंग है। लेकिन बेसिकली मैं कहना चाहूंगा और मैं इसको रखना चाहूंगा ओनली टू टेक्सचर कैटेगरी में, जिसमें डॉट्स हैं और रिब्स हैं। तो यहां पर ये नॉटी बॉय जैसा है और मैं इसको कुछ अलग से मार्क्स नहीं देने वाला। मैं इसको मार्क्स दूंगा, नंबर एक इसका कलर मुझे अच्छा लगा है, और दूसरा जो मैं इसको मार्क्स देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ इसकी फील पे। क्योंकि गाइज मुझे इसे जो मैंने इसको हाथों में लिया हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्किन को हाथ में लिया हुआ है। यहां पर एक कंपेयर मैं नॉटी बॉय से करना चाहूंगा और मैं दोनों को हाथ में मैं कहना चाहूंगा कि नॉटी बॉय डेफिनेटली यहां पर फील वाले मैटर में इससे 19 है, क्योंकि मुझे इसका फील बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल स्किन लाइक इसका फील है, तो इस मैटर में मुझे अच्छा लगा, रंग में अच्छा लगा। अब चलते हैं हम के ये जो सेंसेशन के हिसाब से कैसा है। तो गाइज मैं बता चुका हूँ स्किन वाला फील है, तो पुरुष को थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है उसने कंडोम पहना हुआ है, लेकिन महिला पार्टनर को तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन की। लुब्रिकेशन मुझे इसमें थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, तो फिर भी ओके ओके है। मैं इसको नेगेटिव मार्क इस कैटेगरी में नहीं दूंगा क्योंकि इतना लुब्रिकेशन चलेगा। अब हम चलते हैं स्ट्रेच टेस्ट की तरफ कि इसका स्ट्रेचिंग करने पर क्या रिजल्ट रहता है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि ये काफी ड्यूरेबल है, तो ठीक है इतना सही है। ये फट गया है गाइज, तो गाइज ये फट गया है थोड़ा, और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाला था तो वो ये भी फट सकता है। ये अगर मैं इसको बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर डालता हूं तो ये भी फट गया है। लेकिन गाइज ये ज्यादा ड्यूरेबल है, और इसके पीछे एक वजह भी है क्योंकि इन्होंने जहां समझौता नहीं किया है फील से, इन्होंने फील बहुत अच्छी रखी है। तो कुछ कहीं पर आपको कुछ समझौता करना पड़ता है। इसकी फील जो है पिंक की यानी बोल्ड केयर की थोड़ी बेहतर है, परंतु इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो नॉटी बॉय से कम है। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर आप एनल इंटरकोर्स कर रहे हैं अपनी पार्टनर के साथ तो बेहतर है कि आप दो कंडोम का यूज करें अगर आप बोल्ड केयर का यूज कर रहे हैं, और अगर आप नॉटी बॉय का यूज कर रहे हैं तो आप एक का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक कंपेटिव रिव्यू जो कि कंडोम के टेक्सचर के बारे में था, जिसमें मैंने आपको नॉटी बॉय के बारे में बताया और बताया आपको मैंने बोल्ड केयर के बारे में। कंडोम के बारे में मेरे ऐसे रिव्यूज आते रहेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। गाइस एक क्वेश्चन आता है कि अंडरवियर और कंडोम के संबंध के बारे में मेरी एक वीडियो आने वाली है, तो देर ना कीजिए, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।